रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र से उनकी ईशा का अवतार यानी आलिया का लुक सामने आ चुका है। फिल्म में आलिया का लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 31 सेकंड के टीजर ने आते ही आलिया के लुक पर माहौल सेट कर दिया है, लेकिन टीजर में दिखा आलिया के इस दमकते चेहरे के पीछे का राज क्या है। टीजर में ईशा के रोल में आलिया के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। वो कभी चुलबुली तो कभी ग्लैमरस लग रही हैं। किसी सीन में निडर तो कहीं अपने एम पर फोकस दिखाई दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि आलिया के इस फर्स्ट लुक वीडियो में रणबीर की भी झलक देखने को मिल रही है, जिसमें रणबीर आलिया को अपनी बाहों में पकड़े दिखाई दे रहे हैं। बबली गर्ल के साथ इंटेंस और सीरियल लुक में दिखाई दी आलिया भट्ट के दर्शकों को फिल्म में कई सारे शेड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी भनक ईशा के फर्स्ट लुक टीजर से लग गई होगी। खबरों की माने तो इस फिल्म में आलिया एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जो हाथ से आग बरसाती है। चूंकि ब्रह्मास्त्र एक इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे आज से वैदिक पीरियड के साथ मिलाकर पेश किया जाएगा, जहां पर आने वाले वक्त में इंडियन माइथोलॉजी और इंसान कैसे आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, इसकी कहानी है ब्रह्मास्त्र। और इन मुश्किलों से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है शिवजी का अस्त्र। वहीं इसके रिलीज टीजर में जब आलिया भट्ट को आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर एक बूंद गिरती नजर आएगी, जिसके बाद वो कुछ अलग ही चीजें अलग तरह की करिश्माई इफेक्ट और एनर्जी को महसूस करती हैं। कुल मिलाकर के ब्रह्मास्त्र की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, जहाँ पर साइंस और माइथोलॉजी का मिलन होता है। तो जाहिर तौर पर जब इसमें रणबीर कपूर शिवा जैसा पावरफुल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आलिया के कैरेक्टर में भी थोड़े से सुपर वुमेन जैसे शेड्स तो होंगे ही होंगे। और यही वजह है कि अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र से ईशा के लुक का जो टीजर रिलीज किया है, उसमें आलिया का आग जैसा दमकता हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक फिल्म तीन पार्ट यानी ट्रायलॉजी में रिलीज होगी। ये करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल है। बता दें कि आलिया और रणबीर के अलावा ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्की नैनी भी मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो करते नजर आने वाले हैं। वो इस कहानी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज हो रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।